जब भी मौसम अपनी करवट बदलता है तो बीमारियां भी रफ्तार पकड़ने लगती हैं। और बात जब बीमारियों की आती है तो कोरोना को कैसे भूला जा सकता है। एक समय था जब कोरोना ने देश भर में अपना पैर पसार रखा था और उसी की तरह से अब मंकी पॉक्स भी दस्तक दे रहा है। सरकार भी लगातार मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि अस्पतालों में मंकी पॉक्स बीमारी के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स के दाने चेहरे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अगर कोई छींकता है तो वो कीटाणु अपने आसपास फैला देता है और उसके संपर्क में आने से लोग भी मंकी पॉक्स के शिकार बन जाते हैं। दोपहर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की मंकी पॉक्स को लेकर एक खास रिपोर्ट। मंकी पॉक्स जो है एक वायरल डिसीज ही है जो कि आमतौर से इन्फेक्शन जो है मंकी में देखा जाता है और मंकी से जो है वो फिर ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो अभी तक इस तरह की केसेस हमारे यहाँ इंडिया में तो कंफर्म केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। बाहर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जरूर इसके केसेस मिल रहे हैं और सिम्टम उसके यही होता है कि ये रेस्पिरेटरी उसको भी इन्वॉल्व करता है और हमारी त्वचा को भी इन्वॉल्व करता है। त्वचा पे जैसे फफोले जैसे बन जाते हैं, पहले रेडनेस होती है फिर वो फफोला बन जाता है, जो हमारा तालू है उसमें फफोले बन सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो सांस लेने में दिक्कत, खांसी, तेज़ बुखार होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, ये सब जो सभी वायरल जो बीमारी हैं उसके लक्षण होते हैं। उसके साथ साथ जो है इसमें फफोले जो शरीर पे बनते हैं और तालू पे बनते हैं वो इसका एक लक्षण। बचने का तो यही है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके आसपास ना जाया जाए। जैसे हम प्रिकॉशन हमने कोविड में रखे थे, मास्क लगा करके रहना, डिस्टेंस बना करके रहना, तो कोई भी जो वायरल डिसीज़ होती है उससे वही बचाव के तरीके हैं। जो संक्रमित व्यक्ति है वो भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाए, वो मास्क लगा के रखे, और जब उसका संक्रमण होता है तो और जो आम व्यक्ति है वो भी अगर उसका मास्क का इस्तेमाल करेगा और संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो उससे उसका बचाव हो सकता है। देखिए वैसे तो ये सभी उम्र के लोगों को जो है अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन ख़ासतौर से बच्चे या जो बूढ़े लोग हैं जो जिनका की इम्यूनिटी थोड़ा वीक होती है तो ऐसे लोगों को ये जो ज़्यादा इसमें प्रभावित करता है।